हेलो स्टूडेंट, आज का यह वीडियो क्लास 10 कृषि विज्ञान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इस वीडियो में कृषि विज्ञान का वायरल पेपर देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 में यही पेपर आएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि यह पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज का यह वीडियो जितने भी स्टूडेंट 2025 में कृषि का पेपर देने वाले हैं, पेपर देने से एक बार जरूर देख लेना। पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 2025 कृषि का वायरल पेपर, पेपर कोड 937-831 है। ऊपर आपको अनुक्रमांक और नाम देखने को मिलेंगे, जिसे आप अपने एडमिट कार्ड में से अनुक्रमांक और नाम को भरेंगे। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक आपके 70 नंबर के रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे आपको कुछ सामान्य निर्देश को देखने को मिलेंगे। सामान्य निर्देश को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है कि कैसे आपको पेपर करना है। चलिए सबसे पहले सामान्य निर्देश को देख लेते हैं, उसके बाद पूरे पेपर का सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। निर्देश दिया है कि निर्देश में पहला नंबर दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा नंबर दिया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा नंबर दिया कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड क तथा खंड ख हैं। चौथा नंबर दिया कि खंड क में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पाँचवा नंबर दिया कि खंड क के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल पद्धत OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दे। OMR पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर तथा व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। आठवां नंबर दिया कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। सातवां नंबर दिया कि खंड ख में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। सातवां नंबर दिया कि खंड ख में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि खंड क, यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले निर्देश को दे दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और OMR उत्तर पत्रक पर भरिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि उदासीन भूमि का पीएच मान क्या होता है, आपको बताना है। यह कृषि विज्ञान का वायरल पेपर आपने पूरा देख लिया तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे आपके कृषि विज्ञान में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। ए 7 से कम, बी 7 से अधिक, सी केवल 7, डी 8.5 से अधिक। यदि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 7। उदासीन भूमि का पीएच मान केवल 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि शारदा नहर किस नदी से निकलती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए यमुना, बी घाघरा, सी गोमती और डी गंगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि म्यूरेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटास होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है ए 42-52%, बी 15-20%, दिया है 44% और डी दिया है 60-62%। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 60-62% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कि थ्रेसर का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए बुआई के लिए, बी निराई गुड़ाई के लिए, सी सिंचाई के लिए और डी मड़ाई के लिए। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि भोपाल गैस सिराव की दुर्घटना थी। ऑप्शन है ए प्रकृति, बी मानवी, सी वायुमंडली और डी आकस्मिक। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मानवीय दुर्घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि मृदुल गलन रोग का कारक है, आपको बताना है। ए नंबर दिया है कि जीवाणु, बी नंबर दिया है कि फफूद, सी नंबर दिया है कि विषाणु और डी नंबर दिया है कि उर्वरक। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, फफूद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि जायद की मुख्य सब्जी
ही है आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। आपके ऑप्शन है ए आलू, बी टमाटर, सी लौकी और डी प्याज। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लौकी जायद की मुख्य सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि मिट्टी का पीएच मान 8 से अधिक होने पर कही जाती है, क्या कही जाती है आपको बताना है। ए डोमट मिट्टी, बी अम्लीय मिट्टी, सी क्षारीय मिट्टी और डी उदासीन मिट्टी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक क्षारीय मिट्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा नंबर क्वेश्चन दिया है कि रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का अधिक उपयोगी है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए क्यारी विधि, बी बेसिक विधि, सी तोड़ विधि और डी छिड़काव विधि। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, छिड़काव विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि छिड़काव के लिए यूरिया का घोल उपयोग करते हैं, कितने परसेंट उपयोग करते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 1 से 2%, बी 3 से 5%, सी दिया है कि 8 से 10% और डी नंबर दिया है कि 20 से 25%। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि द्वितीय भूमि परिष्करण का यंत्र है, ए दिया है कि आल पैट थ्रेसर, बी दिया कि पैडी वीडर, सी दिया है कि हैज सीयर और डी स्पेयर। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेयर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि सुनामी की उत्पत्ति का संबंध, ए नंबर दिया है भूकंप से, बी नंबर दिया है ज्वालामुखी क्रिया से, सी नंबर दिया है कि भूस्खलन से और डी नंबर दिया है कि बाढ़ से। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि खरीफ की मुख्य अनाज वाली फसल है कौन सी है आपको बताना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप जिस भी टॉपिक पर या जिस भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। ए नंबर दिया है कि धान, बी नंबर दिया है अरहर, सी नंबर दिया है ज्वार और डी नंबर दिया है गन्ना। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पूसा स्नोबॉल प्रजाति है, किसकी प्रजाति है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए टमाटर की, बी फूलगोभी की, सी लौकी की और डी प्याज की। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमें उम्मीद है आप राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पाइराइट का उपयोग किया जाता है, ए नंबर दिया कि अम्लीय भूमि सुधार में, बी नंबर दिया क्षारीय भूमि सुधार में, सी नंबर दिया कि भूमि कटाव रोकने में और डी नंबर दिया है कि उर्वरक के रूप में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षारीय भूमि सुधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की किस नहर से सबसे अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नंबर दिया कि आगरा नहर, बी नंबर दिया कि निचली गंगा नहर, सी नंबर दिया कि शारदा नहर और डी नंबर दिया कि क्रेन नहर। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में शारदा नहर के द्वारा अधिक क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी होने की पहचान क्या है, ये रंग पीला होना, बी नंबर वृद्धि कम होना, सी नंबर दिया कि बालियां व दाने छोटे होना और डी नंबर दिया कि ये सभी। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि पौधों में नाइट्रोजन की कमी होगी तो पेड़ पौधों का रंग पीला हो जाता है, पौधों में वृद्धि कम होने लगती है और बालियां व दाने छोटे होने लगते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया कि सेक्टियर का उपयोग किया जाता है, आपके ऑप्शन है ए कटाई छटाई में, बी चश्मा लगाने में, सी नंबर दिया कि बुआई में और डी नंबर दिया कि सिंचाई में। तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कटाई छटाई में सेक्टियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सी धान की उन्नत प्रजाति है, ए नंबर दिया कि सोनालिका, बी नंबर दिया कि कौशल,
सी नंबर दिया है मनहर और डी नंबर दिया है कि चंदा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनहर एक धान की उन्नत प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आलू की औसत उपज प्रति हेक्टेयर कुंटल में कितनी होती है, आपको बताना है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ए 200 से 300 दिया है कि 50 से 75। सी नंबर दिया है कि 100 से 200 और डी नंबर दिया है कि 75 से 100। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 से 75%। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न अति लघु उत्तरी प्रश्न दिया है। यहाँ पर सबसे पहले निर्देश दिया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि चंद्रावकाश किसे कहते हैं, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर दिया कि सिंचाई की कुड़ विधि के 3 लाभ आपको बताना है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका फुल सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप 100 लोग कमेंट करेंगे तभी यह नेक्स्ट वीडियो आएगा। तीसरा नंबर दिया कि उदासीन उर्वरक से क्या तात्पर्य है, एक उदासीन उर्वरक का नाम लिखिए, आपको बताना है। सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। चौथा नंबर दिया कि ग्राफ्टिंग नाइफ का नामांकित चित्र बनाइए। पांचवा नंबर दिया कि भारत में भूस्खलन से प्रभावित किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। छठा नंबर दिया कि 2 खरपतवार नाशी के नाम बताइए। सातवां नंबर दिया कि टमाटर के फलों को काटने का क्या कारण है, आपको बताना है। नेक्स्ट आठवां नंबर दिया कि भू संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया कि नहर सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। भूमि में फास्फेटिक उर्वरक मिलाने से पौधों को क्या क्या लाभ होता है, आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि दिया है यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन 4 अंक के मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देश दिया है, सबसे पहले आप निर्देश को पढ़ेंगे किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बस 4 क्वेश्चन ही करना रहेगा और 4 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के रहेंगे। पूरे पेपर को अच्छे से नोट्स बनाकर तैयार कर लेंगे और एक बार पेपर देने से पहले भी ये वीडियो जरूर देख लेना। पहला नंबर दिया कि अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा नंबर दिया कि तालाब द्वारा सिंचाई के लाभों का विवरण दीजिए। तीसरा नंबर दिया कि मिश्रित तथा यौगिक उर्वरकों का अंतर स्पष्ट कीजिए तथा प्रत्येक के 2-2 उदाहरण भी लिखिए। सभी क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए हैं, बस आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। बहुत चौथा नंबर दिया है कि ओसाई से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार से की जाती है। पांचवा नंबर दिया कि पर्यावरण संकट एवं आपदा क्या है, आपदा का वर्गीकरण कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन दिया कि भूक्षरण किन कारणों से होता है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन दिया कि सिंचाई तथा जल निकास में क्या अंतर है, लिखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया कि फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि उत्तरी प्रश्न, यहाँ पर आपको निर्देश दिया है, इसको भी आप पढ़ेंगे। सबसे पहले निर्देश में दिया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही बस करने हैं, 7 नंबर के दोनों क्वेश्चन। आप नंबर दिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल निकास के विभिन्न तरीकों का उपयोग कीजिए तथा इनसे होने वाले लाभ तथा हानियों का भी वर्णन कीजिए। दूसरा नंबर दिया है कि नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटास उर्वरकों के फसलों पर होने वाले प्रभावों की तुलना कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर दिया कि बाढ़ से आप क्या समझते हैं, बाढ़ के कारणों व
प्रभावों की विवेचना कीजिए। चौथा नंबर दिया है कि भिंडी की वैज्ञानिक खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पूरी पेपर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो यही पेपर आपको सेम बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।